नमस्कार मुद्दा में स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ अनंत। जब से कर्नाटक में बीजेपी को विपक्ष ने फटकारी दी है, तब से विपक्ष को लगता है कि हम सब मिलकर 2019 में मोदी को मात दे देंगे। विपक्ष को लगने लगा कि 2019 में बीजेपी के विजय रथ को रोक लेंगे, क्योंकि बीजेपी लगातार जीती आ रही थी। कर्नाटक में एक झटका लगा, तब से विपक्षी बातें खिल गई। एक मंच पर विपक्ष आने को तैयार है, लेकिन विपक्ष की राह में, एकता की राह में बेहद रोड़े भी नजर आ रहे हैं। मजबूत मोदी को रोकने के लिए विपक्ष को मजबूत होना होगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना होगा जो सबको मान्य हो। इसके चलते ये अटकलें लगाई जा रही कि विपक्षी एकता अभी उतनी मजबूत नहीं है जितना कि दावा किया जा रहा है। अब सवाल उठते हैं कि क्या कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष एक होने को तैयार हो जाएगा? कई दफा महागठबंधन बना है और चुनाव से पहले उसका अस्तित्व तो मिट भी गया, लेकिन इस बार मजबूरी है कि अगर विपक्ष एक नहीं हुआ तो मोदी को रोकना बेहद मुश्किल हो जाएगा। और शायद इस बार मोदी को रोकने के लिए विपक्ष एक हो भी सकता है। ...2014 में मोदी की सुनामी में पूरा विपक्ष बह गया था। उसके बाद देश में बीजेपी की आंधी में सभी बहते चले गए। सबसे ज्यादा कांग्रेस को नुकसान हुआ। कांग्रेस से एक के बाद एक राज्य हाथ से फिसलते चले गए। कांग्रेस हारती गई और बीजेपी जीतती गई। बीजेपी का विजय रथ कभी नहीं रुका। 2014 के बाद दिल्ली में एक बार केजरीवाल ने बीजेपी का रथ रोका। उसके बाद कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस की रणनीति ने बीजेपी का रथ रोक दिया, यानी कर्नाटक में विपक्ष के आगे बीजेपी बेदम दिखी। कांग्रेस बड़ी पार्टी थी, उसके बाद भी बीजेपी को रोकने के लिए छोटी पार्टी जेडीएस को मुख्यमंत्री पद के साथ समर्थन दिया। यहां कांग्रेस की रणनीति की जीत हुई और उसके बाद बीजेपी की एक भी नहीं चली। इस जीत से विपक्ष में जान सी आ गई और इसलिए शपथ ग्रहण के बहाने शक्ति परीक्षण कर विपक्षी एकता दिखाने की कोशिश की गई। कर्नाटक ने संदेश दिया कि अगर विपक्ष एक होगा तो मजबूत मोदी को रोकना मुश्किल नहीं है। जो कांग्रेस पहले छोटी पार्टियों से कटती थी, उसे भी समझ में आ गया कि अकेले कुछ नहीं किया जा सकता। इसलिए राहुल ने कर्नाटक की जीत पर कहा था कि सभी मिलकर 2019 में बीजेपी को हराएंगे। मैं और सब अपोजिशन के लीडर मिलकर आपको कहते हैं कि बीजेपी को, आरएसएस को हम रोकेंगे। जो ये देश के इंस्टीट्यूशंस के साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ कर रहे हैं, इसको हम रोकेंगे। विपक्ष को लगता है कि अगर सभी मिलकर लड़ेंगे और कुर्सी का मोह छोड़ेंगे तो मिशन 2019 में मोदी को जरूर हराएंगे। अब सवाल उठता है कि क्या विपक्ष एक होगा? क्षेत्रीय पार्टियां साथ देंगी? अगर विपक्ष बहुमत में आता है तो क्या कांग्रेस दावा छोड़ देगी? क्योंकि कई बार विपक्ष बिना कांग्रेस के एक मंच पर दिखा, लेकिन ज्यादा दिन तक साथ नहीं रहा। लेकिन तब और अब में काफी अंतर है, क्योंकि अब बीजेपी काफी मजबूत हो चुकी है। बीजेपी को रोकना तभी मुमकिन है जब विपक्ष एक होगा। मिशन 2019 अब काफी दूर नहीं है। विपक्ष को अभी से ही मिलकर तैयारी करनी होगी, तभी मोदी को रोक पाएंगे। विपक्ष एकजुटता की बात कर रहा है और बीजेपी को रोकने की बात कह रहा है, लेकिन ये नहीं बता पा रहा है कि नेता कौन होगा। विपक्षी एकता इस देश में हमारा मिशन है और हम करके रहेंगे। इस फ्रंट का नेतृत्व की जरूरत नहीं है। इस फ्रंट को यहाँ पर हिंदुस्तान में बहुदलीय प्रणाली है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट को लोग इलेक्ट करते हैं, मेंबर्स को, उसके बाद तय करते हैं कि कौन लीडर होगा। हमारे सामने दो विकल्प थे, या तो हम अपने छोटे मोटे मतभेद में महदूद रहते या उन मतभेदों को दरकिनार करके आवाम को एक प्रगतिशील विकल्प देते। हमने दूसरा विकल्प चुना, इसलिए आज तमाम जो लोग हैं वो आवाम की आहट को सुन करके एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं और 2019 के बनने, उसकी बुनावट की शुरुआत हो रही है। विपक्ष एक बार फिर एकजुटता की बात कह रहा है, लेकिन इतिहास को देखें तो हर चुनाव से पहले गठबंधन में गांठ पड़ी जाती है। बीजेपी की सहयोगी दल जेडीयू का कहना है कि जब तक विपक्ष का कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं होगा, तब तक गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। ऑन द अदर साइड will be a coalition of parties, but this coalition means nothing, the anti-BJP coalition, unless they can develop a common political narrative
and demonstrate that they have the unity for effective governance. विपक्ष दावा कर रहा है कि बीजेपी को रोकेंगे, लेकिन कैसे रोकेंगे, कौन नेता होगा, क्या फार्मूला होगा, वो नहीं पता। बीजेपी ने तो अभी से ही 2019 की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन विपक्ष अभी एक होने की बात कह रहा है। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ कर्नाटक की जीत से बीजेपी को रोक लेंगे, क्या सभी विपक्षी दल मोदी को रोकने के लिए एक होंगे, सभी दलों को एक नेता मान्य होगा। कई बार महागठबंधन बनाने की कोशिशें हुई और गुब्बारे की तरह फूले भी और फूट भी गए। अब देखना है कि बीजेपी की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए विपक्ष सब कुछ भूलकर क्या एक हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने भी विपक्षी एकता की बात कही है। Very clear that we can meet each other, we can talk each other, we can go any each every state and we can talk to each other and that will give us more strength for the future of the country. तो क्या विपक्षी एकता अब बन पाएगी, उसका प्रारूप क्या होगा, नेता कौन होगा, क्या क्या अड़चने हैं और उन अड़चनों को विपक्ष कैसे दूर करेगा, साथ ही बीजेपी के लिए कितनी मुश्किल हालात इससे बन सकते हैं। इन पर चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनका तारुफ कराते हैं आपसे। अशोक गोयल हमारे साथ है, प्रवक्ता है बीजेपी से। डॉक्टर हिलाल नकवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस से। अतुल चंद्रा हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गोविंद पंत राजू हमारे साथ हैं, सलाहकार संपादक एपीएन। कैलाश यादव हमारे साथ हैं, महासचिव हैं आरजेडी से। और जगदेव सिंह यादव हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। हिलाल साहब, शुरुआत ना आपसे करूंगा, क्योंकि कांग्रेस ही के ही इर्द गिर्द रहने की संभावना है हर दल की, अगर विपक्षी एकता बनती है तो। क्या प्रारूप सोच रहे हैं आप लोग? अनंत, एक बार फिर से बोलिएगा। तो सवाल मेरा आपसे है कि क्या प्रारूप आप सोच रहे हैं इस विपक्षी एकता का? अनंत, देखिए, अभी कांग्रेस जो है वो कर्नाटक में चुनाव लड़कर के और वहां से आए हैं, वहां के पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का, जैसा कि हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा था, गुजरात किसी तरह बचा ले गए, कर्नाटक में नहीं बच पाएंगे और निश्चित रूप से कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के हार हुई है। अगला हमारा जो चुनाव आ रहे हैं वो आ रहे हैं मध्य प्रदेश का है, छत्तीसगढ़ का है, राजस्थान का है, जहाँ के लिए हमको तैयारी करनी, वहाँ के लिए हम तैयारी कर रहे हैं और निश्चित रूप से वहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसको उखाड़ देना है। ये हमारा अगला मिशन है, अगला गोल है। 2019 में अभी समय है, 2019 तक की राजनीति जो है वो एक बहुत ही डायनेमिक प्रोसेस है। 2019 तक की क्या परिवर्तन आते हैं, किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं, इसको हमें देखना होगा। एक छोटा सा सवाल सर मेरा आपसे रहेगा लाल साहब, उसके बाद अपनी बात पूरी कीजिएगा। कांग्रेस कर्नाटक में, आपने जिक्र किया कर्नाटक का, दूसरे नंबर की पार्टी थी, चाहती अगर प्रेशर डालती तो जेडीएस के साथ मिलकर सरकार बना सकती थी, अपनी सरकार बना सकती थी, लेकिन आपने मुख्यमंत्री का पद जो है वो कुर्बान कर दिया। क्या 2019 में भी ऐसा ही हम कुछ दृश्य देखेंगे, ऐसा ही लक्ष्य देखेंगे कि सिर्फ बीजेपी को दूर रखना है, कीमत चाहे जो झुकानी पड़े? जी, हम इसी पे आ रहे हैं। देखिए, जहां तक कि भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न उठता है तो भारतीय जनता पार्टी को लेकर के एक भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं ने एक भ्रम फैला रखा है कि भारत में, पूरे भारत में उनका जो है वो हर जगह पर सरकार बन गई है, हर जगह उन्हीं का शासन है। जबकि वास्तव में देखें तो 29 में से कुल 10 राज्य ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी दहाई में है, यानी डबल फिगर में है। उसके अलावा बाकी 19 जगहों के ऊपर उनके यहां दहाई में भी नहीं है। कुल भारत के 4100 कुछ एमएलए में से 1516 एमएलए जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिसमें से कुल 6 राज्य जो हैं, जिसके अंदर जो बड़े राज्य हैं उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, इनकी बात करें तो वहां से 950 एमएलए आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो उतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी नहीं है जितनी बड़ी वो अपने को प्रोजेक्ट करती है या जितना बड़ा उसको अक्सर बहुत से मीडिया घराने जो है वो प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये कहना कि नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा स्वरूप धारण कर लिया है जिसको पराजित करना है, तो ये कभी भी नहीं। हाँ, भारत की सुरक्षा के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था को बचाए रखने के लिए, भारत के जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त किया जा रहा है, जिस तरह से भारत की संवैधानिक संस्थाओं को धराशायी बताया जा रहा है, चुनाव यही करते रहे कि साथ आना है, पूरे विपक्ष का एक लक्ष्य है और इसके लिए निश्चित रूप से अगर जरूरत पड़ी तो मिलकर के आएंगे। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ अशोक गोयल है बीजेपी से। अशोक गोयल, कैसे निपटेंगे सर चुनौती से? हम लोग नजीर तो देख चुके हैं उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए थे या फिर कर्नाटक में जो स्थिति रही है, भारी तो पड़ता है गठबंधन आपके ऊपर। नहीं देखिए अनंत जी, जिस तरह से पूरे देश में माहौल है,
कर्नाटका में जो कांग्रेस है अपनी हार में जीत मनाने की कोशिश कर रही है, गठबंधन के अंदर ना इनके पास दल है, ना नेता है, ना कॉमन नीति है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, पिछले चार वर्षों से जो जन कल्याणकारी नीतियों के ऊपर काम कर रही है, गांव गरीब किसान के लिए काम कर रही है, उसके उसमें अगर ये सभी दल इकट्ठा भी हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 50% से भी ज्यादा मत लेने के लिए पूरे जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही है। हर जो गांव है उसमें कर्नाटक में भी आपके तकरीबन 1.5% जो वोट प्रतिशत है वो कांग्रेस से कम रहा है। सिर्फ अच्छा ये रहा कि आपका संगठन बेहतर था तो उसने वोट परसेंटेज को वो सीटों में तब्दील कर दिया, कांग्रेस यहाँ कमजोर पड़ गया, लेकिन वोट परसेंटेज जो है वो कांग्रेस से ज्यादा रहा है। नहीं अनंत जी देखिए, कर्नाटका में अनंत जी 20 से हम लोग 36% पे पहुंचे हैं, और ये जो कांग्रेस ने जेडीएस के खिलाफ चुनाव जीता लड़ा है, और अगर वहां पर जेडीएस और कांग्रेस मिलकर पहले जिस तरह से इन्होंने हालात किए अगर मिलकर चुनाव लड़ते तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 50% से ज्यादा मत प्राप्त करती। और आज ये जो अनहोली अलायंस इन्होंने किया है वो जब ये इनके एमएलए जनता के सामने जाएंगे तो जनता इनको सबक सिखाएगी, और आने वाले चुनाव में कर्नाटका की सारी लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कराएगी जी। क्योंकि इन लोगों ने कर्नाटका की जनता के मैंडेट के साथ धोखा किया है। सर मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ अशोक गोयल, बीजेपी में जो उत्तर प्रदेश में जो एक उपचुनाव हुए थे लोकसभा के लिए, वहाँ पर दोनों सीटें आप लोग हार गए, विपक्षी एकता का नतीजा था जहाँ पर कि बीएसपी ने समर्थन दिया था एसपी को। ऐसी स्थिति में अगर सभी लोग एक हो जाते हैं, और आज कर्नाटक में ऐसी नज़ीर हम लोग देख भी रहे हैं जहाँ पर कि एक मंच पर सभी बड़े नेता विपक्ष के मौजूद भी हैं, तो क्या आपके लिए उतना आसान रह पाएगा या फिर इस काबिल भी बीजेपी रह पाएगी कि जो अपनी सत्ता थी बचा सके? देखिए ये जो विपक्ष का भ्रम है ये अभी आने वाले सोमवार को जो कैराना में उपचुनाव है उससे दूर हो जाएगा इनका। और ये जो अपॉर्चुनिस्टिक लोग हैं, अनहोली अलायंसेज हैं, जो ये सब लोग इकट्ठा होंगे, इनकी आपस में कोई कॉमन विचारधारा नहीं है, ना इनका कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। कर्नाटका की जो सरकार है ये भी ज्यादा दिन तक बिहार में सत्ता बनी लोग उसके लिए भी कहते हैं, जो एमएलए सत्ता बनी उसके लिए भी कहा जाता है, रिसोर्ट के अंदर जो कैद है आनंद जी, जब ये जनता के बीच में जाएंगे तो निश्चित रूप से कर्नाटका की जनता इनसे जवाब लेगी। अगर सर अशोक गोयल आप ये कह रहे हैं कि ये जो गठबंधन पवित्र नहीं है सर, तो अमूमन ऐसे ही सवाल, ऐसी विचारधारा और ऐसी परिस्थितियां देखी गई हैं बिहार में भी, जब नीतीश कुमार के साथ आपने सत्ता बनाने की बात की है और वहां पर पीडीपी के साथ जो आपने सत्ता बनाई है उस अलायंस के बारे में भी यही कहा जाता है। मैं लौटूंगा आपके पास, कैलाश यादव हमारे साथ महासचिव आरजेडी से। कैलाश यादव, विपक्ष एक साथ आने की बात तो कर रहा है लेकिन क्या कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है आप लोगों के पास? ऐसा है जी, अभी पूरे देश में विपक्षी एकता मजबूत हो रही है और देश भर में सभी राज्यों में विपक्षी नेताओं को इकट्ठे करके देश में एक संदेश दिया जा रहा है मोदी सरकार के खिलाफ में। और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और नेता का चुनाव तो समन्वय के बाद बनता है, जब सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, अपनी अपनी एजेंडा जब सबकी आ जाएगी तो बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तो सवाल है कि ये मोदी राज से ये भारत जलाओ पार्टी के खिलाफ में सब लोग कैसे इकट्ठे हो, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इसमें हम लोग सफल भी हो रहे हैं, आप आए दिन देखे होंगे। हाँ। अभी कर्नाटक के चुनाव में आज जैसे आज हमारे कुमार स्वामी जी वहाँ पर शपथ ले रहे हैं जेडीएस के नेता, इसमें विपक्षी एकता की एक सर विपक्षी एकता नहीं, वो तो विपक्षी मजबूरी, इसको ज्यादा खा जाए तो बेहतर होगा। इसलिए नहीं नहीं मजबूरी कुछ नहीं होती है, जबकि हंग सीट वहां पर आई, त्रिशंकु गवर्नमेंट बनी और त्रिशंकु जनादेश मिला, तो किसी ना किसी को तो सरकार बनाना था। तो जब गठबंधन की एकता मजबूत है, जब गठबंधन एक है, तो निश्चित तौर पर जो कि हमारी जवाबदेही बनती है जनता के प्रति कि हमको सरकार बनाना है और जनता के प्रति हम जवाबदेह हैं, जनता ने हमको मैंडेट दिया है। भारतीय जनता पार्टी को भी तो पूरा मैंडेट नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी उगालते हुए ये एलिगेशन जो लगाया जा रहा है लोगों के ऊपर कि 38 सीटें पाकर और जो है कि खिलाफ चुनाव लड़कर जो बाद में आप एक साथ आ जाते हैं, वो जनादेश का अपमान किया गया है, इस बारे में आपकी प्रतिक्रिया मैं जानूंगा। लेकिन गोविंद जी मैं जानना चाहूंगा कि कर्नाटक में जो अलायंस की बात कर रहे हैं कैलाश यादव कि हम लोग एक साथ आए देश में जी, मैं लड़ूंगा सर आपके, कैलाश यादव मैं लड़ूंगा आपके पास, अपनी बात आप रखिएगा सर। गोविंद जी जो कहा गया कि भाई ये विपक्षी एकता है, ये विपक्षी एकता समझा जाए, ये विपक्षी मजबूरी समझा जाए, बीजेपी बोलना चाह रहा था, हेलो
देखिए अनंत कैलाश यादव ने जो बात कही है वो बात बिल्कुल सही है कि जब त्रिशंकु विधानसभा होती है तो सरकार बनाने के लिए किसी न किसी तरह के गठजोड़ होते हैं जी। वहां पर कर्नाटक में बीजेपी का शायद ज्यादा आत्मविश्वास था या उनसे रणनीतिक चूक हुई कि वो जेडीएस के साथ रिश्ता बना पाने में असफल हुए और कांग्रेस ने अपनी जो पहले से पूरा इंतजाम किया था पहले से अपने पर्यवेक्षक वहां पर भेजे थे उन्होंने राजनीतिक चतुराई दिखाई और वो गठबंधन बनाने में सफल हुए। और जैसा बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि होली अलायंस अनहोली अलायंस, तो राजनीति में होली अलायंस अनहोली अलायंस जैसी कोई चीज नहीं होती। राजनीति में कुर्सी सबसे बड़ा जोड़ होता है और कुर्सी के लिए अलायंस होता है, उसमें पवित्रता अपवित्रता नैतिकता ये सब चीजें अलग अलग होती है। बीजेपी ने भी बहुत सारे राज्यों में जो गठबंधन किए उनमें कई तरह के सवाल उनको लेकर खड़े हो सकते हैं। और बहुत साल पहले उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कल्याण सिंह की सरकार बचाई गई थी और सरकार बनी थी उसमें भी तमाम जो दूसरी विचारधारा के लोग थे दूसरी राजनीतिक विचारधारा के लोग थे उन सबका जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई गई थी जी। तो ये कोई न तो पहली बार हो रहा है और न ये कोई राजनीति के लिए कोई बड़ी नैतिकता या उसका कोई बड़ा प्रश्न है। लेकिन कर्नाटक ने निश्चित तौर पर एक विपक्ष को एक होने का एक अवसर दिया है जी। ये अवसर 2019 के चुनाव तक किस रूप में विकसित होगा ये अभी बहुत वाकई में दूर की बात है किस तरह से वहां तक पहुंचेगा। लेकिन कम से कम आज एक ऐसा मौका है जब विपक्ष के 15 राजनीतिक दलों के लोग एक मंच पर खड़े हैं और कम से कम उस मंच की जो ध्वनि है वो सामूहिक तौर पर बीजेपी के खिलाफ है। तो जितना ये विपक्ष की एकता बनाने के लिए आज का जो कर्नाटक का संदेश है वो जितना उसके लिए रास्ता दिखाता है उतना ही बीजेपी के लिए चुनौतियां और चेतावनियां भी लेके आता है। हवा में काम करने से बीजेपी का भी काम नहीं चलेगा और हवा में काम करने से जो बीजेपी के खिलाफ तो ये आवाज है वो भी आगे नहीं जाएगी। बीजेपी के खिलाफ तो ये आवाज है लेकिन क्या ये जो एकता वो एक दूसरे के साथ क्या आवाज रहेगी। हम बात करते हैं चंद्रशेखर राव की, ममता बनर्जी, चंद्रबाबू नायडू, राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव, मायावती, अखिलेश यादव, शरद यादव, तमाम लोग हैं जो कि विपक्ष में अपने अपने बड़े क्षेत्रीय दल के नेता हैं, लेकिन क्या ये लोग अपना राजनीतिक स्वार्थ त्याग के एक साथ रह पाएंगे? नहीं, वही मैंने कहा ना, देखिए ये एक अवसर है और ये अवसर ये तय करेगा कि किस तरह से जो कर्नाटक की सरकार है वो अपना काम करती है। ये तय करेगा कि किस तरह से जिन राज्यों में बीजेपी अभी सरकार में है और वहां चुनाव होने उन राज्यों में जो विपक्ष है वो किस तरह से एकजुट होकर आगे अपनी रणनीति बनाएगा और जनता के बीच में जाएगा। और अगर परिस्थितियां वाकई में ऐसी बन जाती हैं, क्योंकि राजनीति में बहुत सारी चीजें लगातार घटनाओं के होते होते तय होती हैं, सब कुछ पहले से तय नहीं होता, हो सकता है कि ऐसी परिस्थितियां हों जिन परिस्थितियों के चलते ममता को भी कुछ हद तक अपने जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनको किनारे रखकर कुछ हद तक चंद्रबाबू नायडू या राव साहब को या बाकी जितने क्षेत्रीय छत्रप हैं उनको अपनी महत्वाकांक्षाओं को किनारे रखकर आगे आने का, कांग्रेस ने आज अपनी महत्वाकांक्षा को किनारे रखकर ही कर्नाटक में सरकार बनाई है, बीजेपी नहीं रख पाई। बीजेपी को लगा कि हमारी सबसे ज्यादा सीटें हैं तो मुख्यमंत्री हमारा होगा, इसलिए जेडीएस को उनकी तरफ से जो प्रपोजल था उसमें उप मुख्यमंत्री का पद था। कांग्रेस ने कहा नहीं, हम नंबर दो हैं लेकिन हमें बीजेपी को रोकना है, तो मुख्यमंत्री आप बनाओ, हमें कोई इससे लेना देना नहीं। अपनी महत्वाकांक्षाओं को किनारे रखा और आज बीजेपी वहां पर विपक्ष के तौर पर आई है। तो आगे भी अगर विपक्ष अपनी महत्वाकांक्षा, ये संभावना है और ये संभावना के आगे बढ़ने की पूरी संभावनाएं हैं कि विपक्ष के लोग भी अपनी महत्वाकांक्षाओं को किनारे रखें और एक बड़े सामूहिक गठबंधन के तौर पर बीजेपी के लिए चुनौतियां लौटूंगा आपके पास। अतुल चंद्र साहब, क्या राहुल गांधी भी समझ गए कि कांग्रेस अपने बूते पर सिर्फ बीजेपी को टक्कर नहीं दे पाएगी और ये राजनीतिक आकलन ही मददगार साबित हुआ कर्नाटक में? राहुल गांधी के समझ में ये बात तो आ गई है कि कांग्रेस अकेले सक्षम नहीं है भारतीय जनता पार्टी को रोकने में। कर्नाटक के परिणाम इस बात को ही दर्शा रहे हैं कि वो अगर सक्षम होते तो सत्ता से हाथ नहीं धोते। लेकिन इसके आगे ये जो चर्चा हो रही है कि विपक्षी एकता की, तो विपक्षी एकता की बात चुनाव के बाद शुरू हुई,
चुनाव से पहले तो विपक्षी एकता नहीं थी जी, कांग्रेस ने कॉम्प्रोमाइज किया और उन्होंने मुख्यमंत्री पद दे दिया जेडीएस को, उसके बाद से ये शुरू हुआ। राहुल गांधी की भी तारीफ हुई, ममता बनर्जी ने लेकिन राहुल गांधी का नाम लेकर के तारीफ नहीं करी, उन्होंने कांग्रेस जेडीएस इन दोनों दलों को कुमारस्वामी का नाम लिया था देवेगौड़ा का, लेकिन कांग्रेस राहुल गांधी का नाम लिए बगैर बधाई दी जी। ये कदम जो उठाया गया ताकि बीजेपी को रोका जा सके और उस आधार पर उन्होंने कहा कि आगे भी हम चलेंगे। तो अभी ये जितने रीजनल पार्टीज जो हैं ये अगर इसी तरह से चुनाव लड़ेंगे जैसे कर्नाटक में लड़ा है, सब अलग अलग लड़ करके उसके बाद फिर आएंगे जी। तो क्या वो इस स्थिति में रहेंगे कि सरकार बना सकें? तब तो शायद हो सकता है कि सर चुनाव से डिस्प्यूट है अगर वो और ज्यादा बढ़ जाए। मैं लौटूंगा सर आपके पास। हिलाल साहब, मैं जानना चाहूंगा कि अगर 2019 में कांग्रेस विपक्ष सबसे बड़ी ताकत हो लेकिन उसे ममता बनर्जी, चंद्रबाबू नायडू या कोई भी अगर जो क्षेत्रीय क्षत्रप हैं उनको प्रधानमंत्री बनाना पड़े, तो क्या कांग्रेस खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार होगी, प्रधानमंत्री पद का मोह छोड़ने के लिए तैयार होगी? आनंद जी, इस सवाल का जवाब हम आपको दो हिस्सों में देंगे। जहां तक कि कांग्रेस का प्रश्न उठता है तो कांग्रेस को सत्ता की लालच या कुर्बानी देने में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होती है जी। चाहे इंदिरा जी हो चाहे राजीव जी हो, दोनों ने जो है अपनी जान की कुर्बानी दी, इस देश के लिए दी। सर हम लोग राजनीतिक स्वार्थ की बात कर रहे हैं, अपनी कुर्बानी दी। सोनिया जी ने सत्ता के लिए भी कुर्बानी दी है, लेकिन सत्ता कांग्रेस के पास ही थी। मनमोहन सिंह कांग्रेस किसी और पक्ष को किया, किसी और दल के पास नहीं गए थे उस वक्त सत्ता। जी हां, हम आपके पास इसकी गए। एक तो पक्ष ही हुआ और दूसरा पक्ष ये कि देखिए अभी हमारा जो अगला मिशन है वो है सीधा सीधा मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जी, जहां पर हमको सुशासन स्थापित करना है, जहां पर जो इतने वर्षों से चला आ रहा कुशासन है उसे उखाड़ फेंकना है, वहां पर जो भ्रष्टाचार है उसको उखाड़ फेंकना है, वहां पर जिस तरह से राजनीति की जा रही है, जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को धता बता करके कार्य कर रहा है, उससे हमारी चुनौती है। अभी हमको इन चुनौतियों से लड़ना है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इस चुनौती में लड़ने के लिए जो जो हमारे साथ आएगा निश्चित रूप से उसका स्वागत है। और 2019 में जो आपके साथ आएगा ठीक है, यानी कांग्रेस सेंटर में बना रहना चाहती है क्योंकि विपक्षी एकता साथ आते हैं। जगदेव सिंह, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि सपा का स्टैंड क्या रहेगा इस चीज को लेकर, क्या राहुल गांधी को मुख्यमंत्री पद पर देखने के लिए तैयार हैं या फिर अखिलेश यादव भी उनको उस पद में नजर आते हैं? वो मुख्यमंत्री के हैं नहीं, प्रधानमंत्री के लिए। आप क्या मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं जी? हाँ, देखिए राजनीति में असंभव नाम कोई चीज नहीं है जी। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन पॉलिटिक्स ओनली। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, उसके निकल के जनता पार्टी बनी और सारे देश में सफाया हो गया था। आज अघोषित इमरजेंसी है, अघोषित में से जो हालात सारे देश के हैं तो मजबूरी में सारी पार्टियों को इकट्ठा होना पड़ेगा और ये समय काल के हिसाब से परिस्थिति बदलती रहती है। आज आपने देखा उत्तर प्रदेश के चुनाव बात कर लें, चाहे आप मध्य प्रदेश चुनाव बात कर लें, चाहे आप राजस्थान की बात कर, पंजाब की, जहां जहां उपचुनाव हुए हैं सारी जगह ये भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट धराशायी हुए हैं। और मैं तो ये विश्वास के साथ कहता हूँ, जनता पार्टी क्या थी? जनता पार्टी इसीलिए बनी, जनता दल बनी, और पहले सारे के सारे लोग कांग्रेस के खिलाफ आए थे। सर, जनता पार्टी की सरकार अगर बनी थी तो विपक्ष की वजह से नहीं सर, क्योंकि शासन के खिलाफ जनता थी इस वजह से। नहीं, जनता पार्टी तभी नहीं थी कि जब इमरजेंसी लगाई गई देश की जनता का। आज अघोषित इमरजेंसी है, आज योगी के खिलाफ, मोदी और अमित शाह के खिलाफ कोई भूल सकता है? क्या बीजेपी में लोकतंत्र है? वहाँ सामूहिक निर्णय की बात है। सर, तो पॉलिटिकल पार्टीज कह रहे हैं चुनाव दर चुनाव, तो बीजेपी की बातों पर लोग विश्वास करते जा रहे हैं। सीबीआई के इस्तेमाल हो रहा है। सर, तो आप कह रहे हैं चुनाव दर चुनाव, तो आवाम जो है वो उनका साथ दे रहे हैं। सीबीआई लगा दिया इसमें, ये बदले की भावना से डराने काम कर रहे हैं, तमाम पार्टियों तोड़ने काम कर रहे हैं। ये एक अघोषित इमरजेंसी है। मुकुल राय बहुत भ्रष्टाचारी थे, इनके आगे बहुत अच्छे हो गए। सीधा सवाल आपसे यही है सर, वापस इस सवाल के ऊपर मैं लौटूंगा आपसे, क्या 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 कांग्रेस का नेतृत्व समाजवादी पार्टी को मंजूर होगा 2019 में? देखिए ये कांग्रेस का नेतृत्व की बात नहीं है, बात ये है कि उस समय जब सारी पार्टियां मिनिमम काउंट प्रोग्राम बनाएंगी उसको नेता चुना कौन होगा सर? नेता जहां तक आप बात कौन होगा नेता? क्या अखिलेश यादव मायावती को नेता कबूल कर लेंगे?
क्या अखिलेश यादव ममता बनर्जी को या राहुल गांधी को नेता कबूल कर लेंगे? हमारे यहाँ भी बहुत अच्छे चेहरे हैं, माने माने मुलायम सिंह जी यादव देश के बड़े नेता है जी। और मोदी सीधा जवाब दे देने में पूछ रहा हूँ एक चेहरा वो कौन होगा? मोदी जी को आज बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं जी। अरे चेहरा मैं कह रहा हूँ मोदी से अच्छे चेहरे हमारे यहाँ है, मुलायम सिंह यादव नेता कहलाते हैं, सुभाष चंद्र बोस के बाद उन्हें मुंगा चेहरा है। जगदेव जी सर, जगदेव जी आपके सहयोगी रहे लाल साहब, उनको बोले तो दीजिए सर, आपके सहयोगी रहे हैं सर, विपक्षी एकता की बात भी हो रही है, उनको बोलने तो दीजिए। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी की वजह से बिहार के मुख्यमंत्री जी ने एनडीए छोड़ा था और आज की तारीख में उन्हीं के साथ गठबंधन करके वो सरकार में हैं जी। इसी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ा था जेडीयू ने और आज उसी भारतीय जनता पार्टी के साथ आप जो है वो सरकार में, आप भी तो जेडीएस के साथ आ गए सर, जनता पार्टी के खिलाफ आपने जो है सरकार बनाई, सर आप भी तो जेडीएस के साथ आ गए हैं, शामिल है 46 यहाँ छोटी छोटी पार्टी राजभर जैसे लोगों की हिम्मत नहीं खराब करवे कर जाए हाँ। अपना जैसे लोग शामिल किए हैं, ये तो परिस्थितियों से डिपेंड करता है हाँ। पार्टी के नेता कौन होगा ठीक है, यानी कि राजनीतिक शुचिता नहीं मौका परस्ती की बात होगी कि जिसको जहाँ जैसे सिचुएशन मुफीद साबित होगी आप लोग वैसा कर लेंगे सर। एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, उससे पहले अशोक गर्ग कुछ कहना चाहता है, ब्रेक में जाऊंगा। अशोक गर्ग अपनी बात आप रखिए, और ये योगी तो कहीं ठहरते भी नहीं है ठीक है, जैसे लौटूंगा आपके पास। आनंद जी, आनंद जी, जी जी यही बीजेपी है जो चरण सिंह के सामने के मोर्चे में आनंद जी मैं ये कह रहा था जी, अपनी बात रखिए अशोक जी, दो एमपी से इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी भूल गए क्या सभी? आनंद जी अशोक अपनी बात कह रहा था कि कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी बात, कितना कॉन्ट्राडिक्टरी बात हम पैनल पर बैठकर कह रहे हैं। मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में अघोषित इमरजेंसी है, यहाँ पर पैनल में आरजेडी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग हैं जिनकी पार्टी सिर्फ एक ही परिवार की पार्टी है, वही इनका मुख्यमंत्री है, वही इनका प्रधानमंत्री है और उसी में से सब कुछ बनेगा। भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति जो कि गरीब परिवार में पैदा हुआ आज देश का प्रधानमंत्री बन गया, आज इन लोगों को ये डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। आपके पास मैं आपने कहा कि कांग्रेस को कुर्बानी देने में कोई गुरेज नहीं है, यानी कि जो राहुल गांधी ने कहा था प्रधानमंत्री बनने की जो बात उन्होंने कही थी उसको मान लिया जाए कि वो सिर्फ कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए कहा गया था। अशोक जी मैं आ रहा हूँ सर आपके पास, हिलाल जी देखिए आप अनंत डिबेट कर रहे हैं तो अनंत जो बड़ा अशोक हिलाल जी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कुर्बानी देने की जो बात का आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए कुर्बानी देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम लोग इसके बहुत आदि हैं, हम पूरी आजादी की लड़ाई लड़े हैं उसके अंदर हमने कुर्बानियां दिया, ये सब बातें आरएसएस और बीजेपी नहीं समझ पाएगी। देखिए यहाँ पर मुख्य बात यह है कि अगर हमारे पास नंबर है तो राहुल जी से पूछा गया क्या आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो बिल्कुल बनेंगे। आज की तारीख में किसी कांग्रेसी से पूछे वो किसको प्रधानमंत्री देखना चाहता है देश का तो हर एक कहेगा राहुल जी को देखना चाहते हैं जी। निश्चित रूप से हमारे पास नंबर होगा तो राहुल जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। सर चंद्रबाबू नायडू, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव अगर कोई ये बड़ी पार्टी बनती है और ये लोग दावा करते हैं तो क्या कांग्रेस उनको भी प्रधानमंत्री के तौर पर स्वीकार कर लेंगे? अनंत अगर उनके पास नंबर होगा, अगर अखिलेश यादव जी के पास नंबर होगा तो कौन रोक लेगा उनको प्रधानमंत्री बनने से? ठीक है अशोक गुलाब बात पूरी कीजिए, उसके बाद हम सब आरजेडी के पास और सभा के पास उनसे जानेंगे कि राहुल गांधी की कितनी स्वीकार्यता दोनों पार्टी में है। अशोक गुलाब पहले आप। अब मैं आनंद जी ये कह रहा था कि कांग्रेस की हिस्ट्री सबको मालूम है कि किस तरह से इन्होंने पहले भी सरकारों को बाहर से समर्थन देकर उनके सरकारों को गिरा दिया था, इसलिए कांग्रेस की हिस्ट्री सभी गठबंधन के नेताओं को मालूम है। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी जी ने स्वयं कहा कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं तो उनको कोई स्वीकार ही नहीं कर रहा है। ममता बनर्जी स्वयं कहती है कि मैं प्रधानमंत्री की उम्मीदवार हूं, अखिलेश यादव जी स्वयं बनना चाहते हैं तो इनके पास ना नेता है, ना नीति है, ना नीयत है, ये तीनों इन लोगों के पास नहीं है, ना ही इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी जो के देश के हित में काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये भ्रष्टाचार के जो के कारण जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं ये लोग इकट्ठे हो गए हैं, देश की जनता सर, आपके इनको तो साफ साफ भी देख रही है उतर रहे हैं, अगर ये इकट्ठे भी हो गए तो भी इसके बावजूद आपके अपने भी तो आपके खिलाफ उतर रहे हैं। शिवसेना की बात कीजिए, ओम प्रकाश राजभर की बात कीजिए, हमेशा आपकी मुखालफत में बात कर रहे हैं। देखिए आनंद जी मैं यही कह रहा हूं कि कुछ पार्टियां हो सकता है कि हमसे नाराज हो लेकिन
हमने गठबंधन का हम धर्म निभाते हैं, जो हमारी पार्टियां प्री पोल अलायंसेज हैं वो अभी भी हमारे साथ ही हैं, और आने वाले समय में आप देखेंगे अनंत जी वो साथ ही मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये जो लोग सही बात है जी, देखिए मैं वही कह रहा हूं, सबको आपकी हिस्ट्री मालूम है कि किस तरह से आपने देवगौड़ा जी की सरकार को समर्थन देकर गिराया था, प्रेजेंट की बात है, आपने चंद्रशेखर की हिस्ट्री आपकी भी मालूम है, जनता पार्टी की हिस्ट्री आपको भी मालूम है, आज राहुल गांधी तक कह रहे हैं कि हिस्ट्री आपकी भी मालूम है, लेकिन आज कौन राहुल जब जनता पार्टी से आपने जो है सपोर्ट विड्रॉ किया था, आपने हमसे मेंबर्स विड्रॉ किए थे वो हिस्ट्री भी मालूम है, जब मंडल और कमंडल का चला था वो हिस्ट्री भी मालूम है भारतीय जनता पार्टी के, देश के 130 करोड़ लोगों के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। अशोक गोयल सरकार के चार साल का कार्यकाल का हिसाब हम लोग ले लेंगे सर, उसके बारे में बात हम लोग कर लेंगे, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क्या एनडीए के जो सारे दल हैं वो आपके साथ खड़े हैं बीजेपी के, क्या उनके दरकने की कोई संभावनाएं नहीं है शिवसेना की तरफ से, प्रकाश राजभर की तरफ से, उसके बाद अलग अलग जो दलों की तरफ से हम लोग मुखालफती बयान सुनते रहते हैं, क्या 2019 में संभावनाएं नहीं है कि आपसे अलग हो जाएं, क्या मुश्किलें आपके लिए नहीं है? नहीं आनंद जी, देखिए कि 2019 में जो एनडीए है वो मिलकर चुनाव लड़ेगी, जो हमारे सहयोगी दल है वो हमारे साथ हैं, आपस में विचार विमर्श होता है, टकराव भी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम साथ हैं, और शिवसेना और अकाली दल हमारे ओल्डेस्ट नेचुरल। ठीक है अशोक, लौटूंगा आपके पास जी, इसी पर रिएक्शन आपसे जाऊंगा सर, कि एनडीए के दलों की हम लोग अलग अलग बात सुनते रहते हैं, खासकर शिवसेना की बात, तो क्या ये चुनौती भी बीजेपी के पास नहीं है कि एनडीए को एक करके रखा जाए? देखिए जब बीजेपी की सरकार बनी थी केंद्र में, तो उस वक्त बीजेपी के पास अपने आप में इतनी संख्या थी कि वो अपनी अपने दम पर बहुमत की सरकार बना सकते थे, लेकिन बीजेपी ने उस समय भी एक तरह से राजनीतिक जो चतुराई का काम किया, और सारे जो उनके सहयोगी थे उन सबको किसी न किसी रूप में सरकार में शामिल किया। हालांकि उस वक्त भी शिवसेना को लेकर टकराव उस वक्त भी शुरू हुआ था, महाराष्ट्र के चुनाव में भी शिवसेना के साथ उनका टकराव है, लेकिन इस सब के बावजूद अगर 2019 के चुनाव के बाद ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि बीजेपी फिर से सरकार बनाने के करीब होती है और उसको सहयोग की जरूरत होती है, तो निश्चित तौर पर ये सारे सहयोगी जो आज नाराज भी दिख रहे हैं ये वहां दोबारा खड़े होंगे, कुछ अपने लिए बेहतर बार्गेनिंग करने की स्थिति में होंगे और कुछ बेहतर बार्गेनिंग के साथ उस सरकार का हिस्सा होंगे। तो ये मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा नीतिगत मतभेद है किसी मुद्दे को, जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये होली अलायंस या अनहोली अलायंस जैसी कोई चीज नहीं है, ये कुर्सी का अलायंस है, और अगर उस वक्त की परिस्थिति में ऐसी कोई संभावना बनती दिखती है कि जो दूसरा जो गठबंधन है वो गठबंधन के लिए कुछ सीटें कम पड़ती हैं, तो इनमें से कुछ सहयोगी वहां भी जा सकते हैं। ये बिल्कुल सत्ता को, सत्ता के समीकरणों के हिसाब से अपने को ढालने का एक तरह का की परिस्थिति है, और चुनाव के नतीजों के बाद चीजें उस तरह से तय होंगी। सहयोगी उनके जो हैं निश्चित तौर पर उनमें कुछ नाराज हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में राजभर जो हैं वो नाराज सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उनको ये संभावनाएं दिख रही है कि लोकसभा चुनाव में अगर वो अभी से थोड़ा झगड़ा दिखाएंगे तो हो सकता है कि उनको कुछ सीटें मिल जाए, या अभी वो इस तरह से झगड़ा दिखाकर अपने लिए किसी दूसरे गठबंधन में अपने लिए रास्ता खोज रहे हैं। बीजेपी के कुछ सांसद ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगली बार लोकसभा का टिकट उन्हें मिलना नहीं है, बीजेपी उनको हटा इसलिए नहीं रही है कि सीटें कम हो जाएंगी अभी, और वो सरकार के खिलाफ खुलकर प्रचार भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, तो ये सारी परिस्थितियां बाद में तय होंगी, और आज कर्नाटक ने एक अवसर भर दिया है कि आप एक साथ खड़े हों, और ऐसे अवसर पहले भी अनेक बार आए हैं। उत्तर प्रदेश में जब मुलायम सिंह यादव ने गठबंधन की सरकार बनाई थी उस वक्त भी देवगौड़ा यहां आकर शामिल हुए थे, उस वक्त भी वामपंथी दल लखनऊ में आकर शपथ ग्रहण में शामिल हुए थे, विपक्ष के बहुत सारे दल शामिल हुए थे, तो इस तरह के राजनीतिक एक तरह से अपनी बिरादरी को एकजुट दिखाने का ये मौका है। ये आगे कहां तक जाएगा, अभी जैसे इसी मंच पर कहा गया कि समाजवादी पार्टी में क्यों नहीं मुलायम सिंह यादव हो सकते राष्ट्रपति पद के, प्रधानमंत्री पद के लिए, अखिलेश यादव खुद क्यों नहीं हो सकते उस पद के लिए, तो बहुत सारे सवाल हैं जो आने वाले दिनों में कैसे ये राजनीति उसके बाद तय होंगे। इसी बात का जवाब कैलाश यादव से चाहूंगा, कैलाश यादव कोई एक सर्वस्वीकृत नेता निगाह में है जिसके ऊपर विपक्ष पूरा मान जाएगा आपके हिसाब से?
देखिए आनंद जी, अभी ये दल और विपक्ष की बात नहीं है, अभी सवाल है देश से सारे लोग जो है कि अभी मोदी जी के सरकार से सब लोग खफा है जी। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई बेतहाशा बढ़ी हुई है जी। अभी आप पेट्रोल डीजल के दाम देख रहे हैं आसमान छुए हुए हैं। अगर सरकार को आपको बदलना है तो लड़ाई है, अभी देखिए सब करना होगा या कुछ लोगों को सभी विपक्षी दलों का दिल मिला हुआ है जी। नहीं नहीं मेरी बात सुना जाए, बिल्कुल सब लोग एक साथ आएंगे, विपक्षी दल सब लोगों का दिल मिला हुआ है जी। नेता की लड़ाई नहीं है, समय आने पर नेता भी चुन लिया जाएगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बन जाएगा। अभी तो इनको पटकनी देनी है, अभी तो इनको चटकनी दिखानी है। महिलाएं असुरक्षित है, किसान हमारे मरे जा रहे हैं, जो है कि लोग लाले खाने में। आप जी अभी भारतीय जनता पार्टी के एमपी की बात करो, वो अपने समाज के हक और अधिकार की बात कर रहे हैं, तो लोग बोल रहे हैं कि उनको टिकट नहीं मिलेगा, ऐसा बोल लोग कर भ्रमित किया जा रहा है। आज दलित को रोड पर जो है कि कच्चे सड़क पर रह के दिन दहाड़े मारा जा रहा है, जान लिया जा रहा है। ये सरकार है, इसके खिलाफ में लड़ाई लड़नी है, इसके खिलाफ में आवाज उठानी है। और ये देश की मांग है कि हम लोग का सुरक्षा कई जब इनटॉलरेंस दुनिया बढ़ते गया है, धार्मिक ध्रुवीकरण बनाया जा रहा है, खंड खंड बांटा जा रहा है जातीय विभेद करके, इसकी लड़ाई है। हम लोग कैसे रहेंगे, 15 लाख रुपया खाता में नहीं है, इसकी लड़ाई है। जीएसटी की लड़ाई है, नोटबंदी की लड़ाई है, जनता जवाब देगी। कैलाश यादव, कैलाश यादव लेकिन किसके नेतृत्व में लड़ाई लड़ेंगे सर? जो दावा किए थे वादा किए थे, लड़ाई लड़ेंगे आप? अरे भैया नेतृत्व की भी तय हो जाएगी, अभी बहुत समय है, अभी एक साल है, तो ये सब बिना सेनापति के सेना पहुंच जाएगी लड़ने के लिए, और युद्ध में आप कहते हैं कि आप विजय हो जाएंगे। ठीक है अशोक, कुछ कहना चाहते हो उसके बाद में चलूंगा अतुल जी के पास, कैलाश यादव लौटूंगा आपके पास। अशोक जी अपनी बात आप रखिए। आनंद जी, जी आनंद जी, अशोक जी अपनी बात आप रखिए सर। ये जो लड़ाई है वो जी, ये प्रश्न, ये लड़ाई जो है वो 48 साल बनाम 48 महीने है। 48 महीनों के अंदर जो मोदी जी ने काम किया है वो पिछले 48 साल में कांग्रेस और ये सभी विपक्षी दल नहीं कर पाए। अगर इन्होंने कुछ काम किया होता तो आज मोदी जी को जो 18,000 गांव है उसमें बिजली के खंभे नहीं बचाए, कुछ काम किया होता तो 31 करोड़ लोगों के अकाउंट मोदी जी को नहीं खोलने पड़ते। अगर इन्होंने कुछ काम किया होता तो मोदी जी को 1 करोड़ घरों में बिजली का नहीं बात करते हैं। अगर अशोक जी बात करेंगे उसके बाद आप प्रतिक्रिया दीजिएगा अपनी। महिला जी आपके पास आपको मौका मिलेगा, अगर इन लोगों ने कुछ काम किया होता तो 7 करोड़ लोगों के घरों के बाहर शौचालय। अशोक जी आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि सत्ता ने उस वक्त काम नहीं किया, उसके बाद आपको मौका मिल गया कि आप भी सत्ता बना लें। अगर उस वक्त काम किया होता सर मौका आपको ना मिलता फिर, इसलिए ये सब लोग काम ना होने की नाराजगी ये थी कि आपको मौका मिला है सर। इन सब भ्रष्टाचारियों को देख रही है जी। ठीक है सर मैं लड़ूंगा आपके पास। अतुल चंद्र साहब सवाल मेरा आपसे ये है, बताइए नीरव मोदी है क्या और रफेल सही हुआ है अशोक जी? जी ठीक है लाल साहब, अशोक जी आप दोनों आज जो है वो जो देश की हालत है वो मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व के अंदर देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन लेकिन आज एक परिवार पीछे हट गया है। आज ये जो पारिवारिक पार्टियां अशोक जगदेव सिंह जी, कैलाश यादव साहब, आप सर आप तमाम लोगों से ये निवेदन मेरा रहेगा कि अपने अपनी पार्टी को आप यहाँ पर दर्शा रहे हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, थोड़ा सा संयम का परिचय सर हम लोग सभी लोग दें, एक एक करके अपनी बात रखें तो शायद आपकी बात बेहतर तरीके से आप लोग पहुंचाएंगे। अशोक गोयल मैं लौटूंगा आपकी बात सर, अपनी बात आप रखिएगा। अतुल मैं जानना चाहूंगा कि एक सर्वश्रेष्ठ नेता की बात हो रही है, अगर न्यायपालिका का निर्णय इनके पक्ष में आता है तो न्यायपालिका ठीक है। अरे छोड़ दीजिए सर वो बातें, 2019 में लोग अपने आप तय कर लेंगे, पॉलिटिकल एलिगेशन खाने के लिए जनसभाएं बहुत होती हैं, खतरे में है। अशोक गोयल पॉलिटिकल एलिगेशन के साथ जनसभाएं बहुत होती हैं सर, मंच पे कम से कम टीवी पे आप लोग ये ना करें। मैं लौटूंगा आप सभी मेहमानों के पास। अतुल जी सवाल मेरा आपसे है कि एक ऐसे नेता की बात हो रही है जो कि सब स्वीकृत हो हर पार्टी में और लोग भी जिसको एक्सेप्ट कर लें, तो क्या ये चुनाव से पहले जरूरत है विपक्षी, अगर विपक्षी एकता होती है या चुनाव के बाद चुना जाए तो बेहतर होगा? अगर चुनाव से पहले करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन चुनाव से पहले ये संभव इसलिए नहीं है क्योंकि जैसा अभी बात निकल करके आई है कि किसी एक नेता के ऊपर राय एक नहीं है। ममता बनर्जी नहीं कह रही है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, डी राजा ने कम्युनिस्ट पार्टी के कह दिया है कि कि वो चुनाव के बाद तय किया जाएगा कौन होगा नेता। यही चीज डीएमके कह रही है, यही चीज बाकी विपक्षी नेता कह रहे हैं। तो
अभी कोई ये नहीं कहना चाहता है कि हम कांग्रेस को लीड पार्टी मान करके चलेंगे या राहुल गांधी को अपना प्रधानमंत्री मानकर चलेंगे जी। सब ये देख रहे हैं कि किसकी कितनी बार्गेनिंग पावर होती है जी। अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में 180 हो सकता है सारी सीटों पर चुनाव लड़े, इस उम्मीद में कि अगर हमारे 10-12 विधायक भी आ गए और सरकार बनाने में मौका मिला तो हो सकता है कांग्रेस कहे कि चलो तुम प्रधान मुख्यमंत्री अपना बना लेना, हम मदद कर देंगे, सपोर्ट करेंगे बाहर से। तो ये सारे जो परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस निकल करके आएंगे चुनाव के बाद, उसके बाद ये तय होगा कि कौन नेता बनेगा संगठित विपक्ष का या संगठित सत्तारूढ़ दल का, और क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा। हर आदमी वो सीएमपी से ज्यादा हर विपक्षी दल ये चाहेगा कि कौन सा पोर्टफोलियो उसको मिले। पिछले गठबंधन में मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहे थे, लेकिन लालू जी ने उनको टंगड़ी मार दी, नहीं हो पाए वो। तो ये गणित कैसे बैठेगी ये उसी समय पता चलेगा, और किसकी संख्या कितनी होगी वो उस हिसाब से बार्गेन करेगा, और तब ये तय होगा कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। फिलहाल ये मान लीजिए यानी सिर्फ नंबर गेम होगा सर, किसी को यहाँ पर आइडियोलॉजी किसी की मैच नहीं करेगी, क्योंकि आइडियोलॉजी के पीछे नहीं है विपक्ष, सिर्फ नंबर गेम के पीछे कि जिसके नंबर ज्यादा आ जाएंगे उसको नेता चुन लिया जाएगा। एक और समीकरण गोविंद जी, आपसे सुनना चाहूंगा कि सोनिया गांधी ने एक टी पार्टी अलग की, उसका शरद यादव के यहाँ टी पार्टी की बात होती है, उसके बाद जो चंद्रशेखर राव हैं वो ममता बनर्जी से अलग मिलते हैं, ये अलग अलग फ्रंट पर जो मिलने की कवायद होती है, क्या ये अपने आप में ये इंगित नहीं करते कि विपक्ष में एकता की बात हो रही है लेकिन अभी भी कई जगह गुटबाजी चल रही है? देखिए आनंद, जब शुरुआत हुई थी तो मुझे लगता है कि वो एक तीसरे गठबंधन को लेकर वो बात शुरू हुई थी, और शुरुआती तौर पर जिस तरह का ममता बनर्जी का भी रुझान था और चंद्रबाबू नायडू का भी रुझान था, वो एक तीसरे फ्रंट की बात करने की उनकी तरफ से कोशिश थी, उसमें कांग्रेस के साथ होने की कोई बात नहीं थी। लेकिन जिस तरह से कर्नाटक के चुनाव के बाद एक नई तरह की परिस्थितियां बनी हैं, और ये भी ध्यान रखना होगा कि इस कर्नाटक की परिस्थिति के लिए जो लीड है वो सोनिया गांधी ने ली है, जो फोन किया है वो सोनिया गांधी ने किया है, राहुल गांधी की स्वीकारिता वहां पर राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद भी राष्ट्रीय नेता के तौर पर नहीं है, सोनिया गांधी ने पहल की है तब चीजें आगे आई हैं। तो अगर वहां गठबंधन ठीक ठाक होता है तो कांग्रेस के लिए थोड़ा सा एक अपर हैंड है, लेकिन जिन तीन राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इन राज्यों में जो चुनाव होने हैं, इन चुनावों में कांग्रेस कैसा कर पाएगी, क्योंकि इन चुनावों में जिन राज्यों में होने वो कांग्रेस के लिए एक तरह से परंपरागत तौर पर कांग्रेस के इलाके रहे हैं, कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में भी रही है, उन राज्यों में अगर कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से बाहर कर पाती है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का अपर हैंड जो है वो ज्यादा मजबूत दिखाई देगा, और उस हालत में कोई भावी गठबंधन जो है उसमें कांग्रेस की हैसियत ज्यादा बड़ी होगी, ज्यादा मजबूत होगी। लेकिन सिर्फ गठबंधन हो जाने से प्रधानमंत्री होना तय हो जाएगा ये बहुत अभी दूर की कौड़ी है, क्योंकि उस गठबंधन को चुनाव में जाना पड़ेगा, और उस चुनाव में बीजेपी को भी उसने 4 साल में क्या किया है, 5 साल में क्या किया है, इस सवाल के को लेकर जनता के लिए सीधा सीधा जवाबदेह होना पड़ेगा, और फैसला जनता को करना है। नेता अपनी राजनीति अपनी रणनीति बना सकते हैं, एक बड़ा गठबंधन बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो सकता है, लेकिन अंततः फैसला प्रधानमंत्री कौन होगा ये जनता को करना है, और मुझे लगता है उसके लिए अभी बहुत दूर कई सीढ़ियां हैं, कई कदम अभी राजनीति में हम लोगों को आगे देखने हैं। 2029 जहां तक सोनिया जी के फोन करने का प्रश्न है, तो ये सब लोग जानते हैं कि जो यूपीए के कोऑर्डिनेटर हैं वो सोनिया जी हैं, राहुल जी नहीं है कोऑर्डिनेटर, तो इस वजह से इसको ये देख करके चलना कि राहुल जी अध्यक्ष होने के बाद भी उन्होंने फोन नहीं किया, ये अपने आप में
दिग्भ्रमित करना है या सही तरह से जानकारी ना होना है, इन दोनों का कोई कारण हो सकता है। वास्तविकता यह है कि एक जो कोऑर्डिनेटर है आज की भी तारीख में जो कि सोनिया जी, उन्होंने दोनों से बात करके और ये कार्य किया है, तो इसके अंदर राहुल जी की एक्सेप्टेबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी का ना होना जो है ये अपने आप में कहीं से भी जायज आकलन नहीं है। ठीक है सर, बाकी दोनों जो आपके सहयोगी दल है उनसे हम राय जान लेते हैं। कैलाश यादव जी, क्या आरजेडी में राहुल गांधी की स्वीकारता पूरी तरीके से है अगर नेतृत्व का संचालन वो करते हैं? देखिए एक गठबंधन की बात है, कांग्रेस पार्टी के निश्चित तौर पर बड़े नेता हैं राहुल गांधी, उन पार्टी के अध्यक्ष हैं, और जब गठबंधन दल सभी लोग बैठकर नेता चुन लेंगे बहुत बड़ी बात नहीं है, और जब कांग्रेस की सबसे ज्यादा सीटें आएंगी निश्चित तौर पर जो कि सर छोटी छोटी महत्वाकांक्षाएं तो लोगों की छोड़नी पड़ेगी, और ये नेता की लड़ाई नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी को गद्दी से उतार कर रोड पर लाना ये सबसे बड़ी लड़ाई है जी। आज जो देश की स्थिति बनी है, आर्थिक स्थिति हो, उद्योग नीति हो, विदेश नीति हो, सभी चीजों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल है और जनता त्राही त्राही कर रही है, इसकी लड़ाई है, इसके खिलाफ में कैसे हम लोग एकत्रित हो, कैसे जो आगे का भविष्य बने, इसकी लड़ाई है, नेता की लड़ाई है। राहुल जी आपके पास आऊंगा और कांग्रेस जी, लेकिन उससे पहले जगदेव जी मैं आपके पास आना चाहूंगा कि उपचुनाव में भले ही कांग्रेस से साथ ना रही, अरे भैया एक कहने की बात हो गई, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार करते करते आप लोग तो लूट लिया देश को, नीरव मोदी, ललित मोदी, सुशील मोदी, सारे लोग तो देश के खजाना को लूट कर आप लोग विदेश में भेज दिया, चारा घोटाला भी हम लोगों को भूल एक मध्यम भूलना नहीं चाहिए। राफेल डील सबसे बड़ी डील जी, ठीक है मैं लौटूंगा। जगदेव जी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा सर कि उपचुनाव जो हुए थे उत्तर प्रदेश में उस वक्त कांग्रेस भले ही आपके सामने चारा घोटाला में कैसे हम लोग सामना कर रहे हैं, कैसे फंसाया गया है, ठीक है और कैसे ही तो समय आने पर बताया जाएगा। सर सब ज्यूडिस इस मामले जो जो हमारे बिहार में सृजन घोटाला हुआ जिसमें पूरा मामला सब ज्यूडिस नहीं करते, मैं लौटूंगा। जगदेव जी कांग्रेस भले ही आपके साथ उपचुनाव में ना आई हो, आपको सिर्फ समर्थन मिला हो बीएसपी की तरफ से, लेकिन नहीं, नहीं, क्या 2019 में सवाल नहीं उठा रहे रहेंगे आप कांग्रेस के? राहुल गांधी का नेतृत्व अखिलेश यादव को कबूल होगा? देखिए आप घुमा फिरा कर उसे क्यों ले जाते हैं जी, और आज अभी 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 आपने देखा कि समाजवादी पार्टी बसपा, खाली बसपा ने समर्थन दिया था न साझा मंच किया था, और फूलपुर में और गोरखपुर में जहाँ 25 साल से मुख्यमंत्री हारे हो, डिप्टी सीएम हारे हो, ये बड़ी शर्मनाकार हुई। अभी नूरपुर चुनाव होने जा रहा है, चुनाव होने जा रहा है, आप देख लीजिए क्या हालत इनकी होगी, ये घबरा गए। और अभी उससे पहले अब मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में है, मैं तो मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी से गली लौटा हूं, मैं समाजवादी पार्टी को देख रहा हूं, प्रभारी भी हूं, मैं समझता हूं इनका जो हाल राजस्थान में होने वाला है, जो मध्य प्रदेश होने वाला, छत्तीसगढ़ होने वाला है, यही देखने लायक होगा। और विपक्ष तो एक होगा ही, विपक्ष एकता के बाद सर, और अभी से आप लोग ये तो आगे की बात है, लेकिन जो बातें कांग्रेस होनी चाहिए विपक्ष के लिए वो बातें आप तीनों में से सर कोई भी साफ नहीं रख रहा है कि आपका कॉमन यूनियन प्रोग्राम क्या होगा या आपका कोई कौन नेता होगा जिसके भरोसे से आप आगे चलेंगे, प्रोग्राम बने होगा जी, और इनके यहाँ कौन सा नेता है, ये भी 46 पार्टी इलेक्ट चल रहे हैं, फिक्र ना कीजिए ना सर, अपनी फिक्र अशोक गोयल खुद कर लेंगे। अशोक गोयल अपनी बात आप रखिए, जगदीप जी लौटूंगा आपके पास सर, अपनी बात आप रखिएगा। अशोक गोयल इसलिए घबरा गए हैं मायावती बसपा के साथ, देखिए भाजपा बसपा उसे देश में नया जुमला छोड़ा है और एक बार भारतीय जनता पार्टी को कैलाश यादव जगदेव जी बातें रखते हैं सर, एक एक करके बातें रखते हैं, एकता ने दिखा दिया उत्तर प्रदेश में भाई चुनाव का, बहुत संक्षेप में बात, अशोक बहुत संक्षेप में बात रखिए, आने हमारे नेताजी देश के नेता है जी, अशोक को है ही नहीं। पिछले चार वर्षों में 14 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है और ये सभी विपक्षी दलों को देश की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन को रिजेक्ट किया, और अब आने वाले उपचुनाव के अंदर ये सिर्फ 8 उपचुनाव की बात करते हैं लेकिन 14 राज्यों की बात नहीं करते जहां पर देश की जनता ने इनको बुरी तरह से रिजेक्ट किया है, और आने वाले 2019 के चुनाव में भी ठीक है सर, आपका अपना दावा है, विपक्ष अपना दावा है कि आपका दुशासन है, कुशासन है विपक्ष के हिसाब से, और उसको पलटने के लिए विपक्ष एक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर चर्चा में यहाँ पर मैं विराम दे रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए, चर्चा को बेहतर बनाने के लिए। यानी विपक्ष के सामने चुनौतियां भी बनी भी हुई हैं कि जो
मतभेद हैं वो कहीं मनभेद में तब्दील ना हो जाए, और कौन वो नेता होगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कौन क्या होगा, और क्या एक दूसरे जो दल को एक दूसरे की जो नेतृत्व है वो स्वीकार्य होगा, क्या प्रधानमंत्री पद का मोह छोड़ पाएंगे या इंपॉर्टेंट जो कैबिनेट मिलते हैं क्या उनका मोह छोड़ पाएंगे, विपक्ष के सामने तमाम लोग इन तमाम मुद्दों की चुनौतियां चुनौतियों कैसे पार कर पाएगा, और बीजेपी के सामने ये विपक्ष एकता कितनी बड़ी चुनौती साबित होगी, इन सब पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। फिलहाल वक्त एक ब्रेक है, ब्रेक के उस पर खबर लगातार जारी रहेंगी।